हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले यार कंपैरिजन, मजा आएगा काफी ज्यादा। चार फोनों का यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे जो कि यहाँ पर अभी सबसे चहलका मचा रहे हैं यहाँ पर मार्केट में। सबसे पहला फोन है हमारा वीवो का Z1 Pro, उसके बाद K20 है और उसके बाद भाई पोको है। भाई पोको M1 हमारा भाई जो तबाही मचा चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर 18,000 रुपए की प्राइस में अभी ये फोन मिल रहा है। और कौन सा फोन है भाई हमारा Realme X भी सोच रहे हैं, Realme X डाल देते हैं क्योंकि वो भी 17,000 रुपए में बहुत बढ़िया फोन निकाला है जबरदस्त। तो ये चारों फोन है यार, इसको हम कंपेयर करेंगे भाई। उससे पहले अमोक भाई हमारे साथ है फैश फाउंडर यूट्यूब चैनल से। भाई के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। और बताइए भाई अपने बारे में। तो हाय गाइस, दिस इज अमोक गुप्ता फ्रॉम फैश फाउंडर। और अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी, वेल मेरा भी टेक रिलेटेड ही चैनल है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो चैनल को। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और इनके साथ भी भैया के साथ भी, क्योंकि मेरे तो भाई हो यार बड़े, तो इनके साथ भी एक कोलैब बनेगा जो आपको उस चैनल पे मिल जाएगा, वहां से जाके आप जरूर चेक करना वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हम दे देंगे। तो भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रियलमी एक्स के बारे में। तो भाई 17,000 रुपए की प्राइस में बहुत ही कमाल का डिवाइस है, स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर के साथ और फुल H2S यहाँ पे डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पर दी गई, सूजन है, पॉपअप कैमरा भी है जो कि फास्ट है। K20 प्रो में भी आपको देखने के लिए मिलता है, बट ये काफी उससे ज्यादा फास्ट है। वीडियो वगैरह में मैंने यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और काफी बढ़िया यार फोन यहाँ पर यूज किया है, माइक्रो USB भी है यहाँ पर हटा दिया है, टाइप सी का पोर्ट है, वूक की यहाँ पर 3.0 चार्जिंग है। ऑलमोस्ट एक घंटा लगाता है फोन 0 से 100% चार्ज होने में। और यार सच में बीस फोन है, डिजाइन भी काफी कमाल का है। और जो व्हाइट कलर में फोन आता है ना, वो एकदम गजब ही लगता है यार देखने में। और उसका प्याज और लहसुन वाला वेरियंट, जो ऑनियन और गार्लिक वेरियंट है, दिखने में यार वो भी अच्छा लगता है, बट वो 21,000 रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन जहाँ पे आपको 17,000 रुपए में वो फोन एक बेस वेरियंट में मिल रहा है, वो काफी अच्छा, लहसुन प्याज लेने से तो अच्छा वो ही ले लो। तो मुझे भी नहीं लगता कि कोई वो फोन खरीदेगा, बट दिखने में यार थोड़ा डिफरेंट है, आपको ऐसा फोन और नहीं मिलता है। और 17,000 की प्राइस में बहुत बढ़िया फोन है। और अब यहाँ पे हम उसको कंपेयर कर रहे थे K20 से, काफी लोग कंपेयर कर रहे थे क्योंकि वो उस प्राइस सेगमेंट में उम्मीद कर रहे हैं आने वाला है। अगर मैं ओपिनियन अपनी बात करूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं स्लो तो लगा K20, क्योंकि जो उसका पॉपअप कैमरा है और जो मतलब अगर ओवरऑल बात करी जाए तो थोड़ा डिसग्रेड टाइप का लगा, जहाँ पे रियलमी एक्स जो है हमारे को 17,000 रुपए में इतना अच्छा फोन मिल रहा है, वहाँ पे K20 में काफी सारे 22,000 रुपए में आ जाता है। क्योंकि अभी जो आप वीडियो देख रहे हो, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर K20 प्रो से, और यार सच में इसका कैमरा जो है वो काफी स्लो है, फेस अनलॉक तो आप इसमें यूज नहीं कर सकते और बाहर निकलने में काफी टाइम लगा देता है। बट गाइस ऐसा नहीं है, जो K20 है उसकी बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली यार मच बेटर है, बहुत अच्छी हैंड फीलिंग देता है हाथ में। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली K20 प्रो और K20 सिमिलर है, और K20 यार डेफिनेटली बेटर है रियलमी एक्स से। और प्राइस का भी डिफरेंस है 5,000 रुपए का। ऑब्वियसली यार यहाँ पर मेटल फ्रेम मिलता है, आगे पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है, और ये जो पीछे डिजाइन मिलता है ना, ये वो आग वाला और आइस वाला और एक ब्लैक वेरियंट है, तो यार वो डेफिनेटली मच बेटर है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और बाकी अगर हम बात करें कि जो मतलब कैमरा क्या, अगर रियर कैमरा की बात करूँ तो आप अपना ओपिनियन बताओ, क्योंकि आप यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा। तो यार जो K20 प्रो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, बट K20 और K20 प्रो में थोड़ा सा डिफरेंस है कैमरा का, सेंसर डिफरेंट है दोनों फोन्स के अंदर। बट गाइस जो कैमरा है कि Redmi K20 का, वो डेफिनेटली बेटर है उस प्राइस के हिसाब से, बढ़िया है। आप K20 Pro का उससे ज्यादा बेटर होगा ऑब्वियसली, जितना आप पैसा डालते रहोगे उतना बढ़िया फोन आएगा। यहाँ पर भी काफी अच्छा कैमरा है और सेम कैमरा सेटअप है यार, तीन कैमरा वहां पर भी है, मेन 48 मेगापिक्सल का कैमरा, और वहां पर वाइड एंगल लेंस भी आपको मिल रहा है और टेलीफोटो लेंस भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो यार वो काफी अच्छी चीज है कि उस प्राइस सेगमेंट में, और क्योंकि रियलमी एक्स में आपको डुअल रियर कैमरा मिल रहा है, पर वो उस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। और ओवरऑल यार रेडमी ये जो आपका K20 है, इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली यार बहुत ज्यादा पावरफुल मिल जाता है। बट यार ऐसी बात नहीं है, रियलमी एक्स भी बहुत बढ़िया फोन है, दोनों फोन यार प्राइस के हिसाब से बढ़िया है। तो गाइस रेडमी K20 एक तरीके से ओवर एक्सपोज कर देता है पूरे बैकग्राउंड को, तो यार सेल्फी के मामले में डेफिनेटली ये फोन थोड़ा यहाँ पर वीक है, और रियलमी एक्स जो है वो डेफिनेटली यार बेटर है फ्रंट कैमरा के मामले में। वहां पर आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, और यार ओवरऑल जो कैमरा है वो बहुत बढ़िया है, मैंने यहाँ पर यूज किया कुछ कैमरा वगैरह जो है। यहाँ पे अगर हम ड्रॉप की बात करें तो ये कभी कभी मैंने देखा कि ड्रॉप के टाइम पे ये कभी अटक जाता है, मतलब पॉपअप कैमरा ड्रॉप के टाइम पे अटक जाता है, उसका नहीं अटकता। तो गाइस ये जो K20 का कैमरा है काफी स्लो है, मैंने K20 प्रो का यहाँ पर ड्रॉप टेस्ट किया था सिर्फ कैमरा को चेक करने के लिए, और ये पूरी तरीके से अंदर नहीं जाता है। और वही हम बात करें रियलमी एक्स की, तो यार वो फटाफट अंदर हो जाती है क्योंकि स्पीड उसकी थोड़ी ज्यादा है पॉपअप कैमरे की।
तो यार यहाँ पर थोड़े डिफरेंस है। वही आ जाती है बात यार, क्योंकि आपको 17,000 का आपका बजट है, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, अच्छे लुक्स चाहिए, बिल्ड क्वालिटी है डेफिनेटली पॉलीकार्बोनेट है, बट इतना ज्यादा फील नहीं होगा। बट अगर आप K20 को हाथ में पकड़ लोगे तो उसके बाद आपको मतलब, क्योंकि यार वही डिफरेंस है, जहाँ 5,000 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ऑब्वियसली बातें मिलेगा। जहाँ पे प्रोसेसर का बॉडी का हम बात कर रहे हैं और कैमरा की भी परफॉर्मेंस अलग है ही दोनों में, तो 5,000 रुपए में कहीं ना कहीं तो थोड़ा आपको ऊंच नीच तो झेलनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप अपना अच्छा फोन देखना चाह रहे हो तो मैं कहूंगा रियलमी एक्स मेरे थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर 3.67 mAh की समथिंग बैटरी दी गई है और वो डेफिनेटली जल्दी चार्ज हो जाती है। यहाँ पर K20 में आपको 4 mAh की मिलेगी, वहाँ 18 वॉट का चार्जर आता है बॉक्स में और यहाँ पे आपको 20 वॉट का चार्जर मिलता है, तो चार्जिंग स्पीड भी रियलमी एक्स की बेटर है। लेकिन दोनों में वायरलेस चार्जिंग है तो हाँ यार, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट गाइस एक और कमाल की चीज ये है कि रेडमी K20 पे अभी फ्लिपकार्ट पे कुछ यहाँ पर शाओमी ने भी पहले टीज किया था, शाओमी के वीपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर, हो सकता है इसका फोन का प्राइस ड्रॉप हो। अगर ये आपको 20-21 हजार रुपए में मिल रहा है तो डेफिनेटली यार खरीदा, अपने सोर्सेज से तो 1500 रुपए होने वाले हैं 15 अगस्त के आस पास। हाँ तो भाई देखते हैं कि क्या होता है, अगर आपको डील अच्छी मिल जाती है तो भाई K20 बहुत अच्छा है और रियलमी एक्स भी अपनी जगह पे काफी सही है, बस उसकी बैटरी थोड़ी कम है और बिल्ड क्वालिटी बस दो यहाँ पर आपको। लेकिन ओवरऑल अगर बोलोगे तो बढ़िया फोन, रियलमी एक्स बहुत अच्छा फोन है भाई, हमने यूज किया है। और K20 की हम यहाँ पर बात करें तो वो भी बढ़िया है, अपनी प्राइस के हिसाब से थोड़ी बहुत कमी आए, जैसे कि पॉपअप कैमरा जो है वो थोड़ा सा स्लो है, बाकी ओवरऑल बहुत बढ़िया फोन है वो भी। और कैमरा थोड़ा सा इतना कुछ खास नहीं है, फ्रंट फेसिंग कैमरे की हम बात करें, अगर मेन फ्रंट फेसिंग कैमरा आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपके लिए फोन नहीं है, बहुत अच्छी आपको क्वालिटी नहीं देगा। और उसके बाद यार रियलमी एक्स में जो गूगल कैमरा वो काफी स्टेबल काम करता है एज कम्पेयर टू K20 सीरीज, ये मैंने नोट किया है यार। ये हमारा जो Note 7 है, ये Note 7 Pro, अभी तक इसमें गूगल कैमरा स्टेबल यहाँ पर काम नहीं करता है। तो गाइस अब हम यहाँ पर बात करने वाले Vivo Z1 Pro और हमारा फेवरेट फोन Poco F1 के बारे में। तो यार बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई Poco F1 ले ले, Vivo Z1 Pro ले, तो भाई Vivo Z1 Pro बहुत ही कमाल का डिवाइस है, 15,000 रुपए की प्राइस में, स्नैपड्रैगन का 712 प्रोसेसर, 6.53 इंच की डिस्प्ले, अंडर डिस्प्ले कैमरा यानी कट आउट है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ट्रिपल रियर कैमरा यहाँ पर मिल रहा है, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है, 5 mAh की बैटरी है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट यहाँ पर है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी है बॉक्स में, चार्जर भी आपको दे रहा है वीवो। यार ओवरऑल ना बहुत कमाल का पैकेज बनाया है, IPS LCD डिस्प्ले है, ऑब्वियसली यार 15,000 में आपको सुपर एमोलेड नहीं दे सकते, क्योंकि पोको में भी आपको पता है IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। और ये वीवो का जो फोन है यार ओवरऑल बहुत बढ़िया है, पबजी के लिए स्पेशली यहाँ पर बनाया गया है, काफी यहाँ पर इन्होंने मार्केटिंग करी है पबजी को लेके। और भाई मैंने टेस्ट करा है फोन, मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी डाली थी, देख लेना आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, डिटेल्स में मैंने यहाँ पर बताया है तो उसका कार्ड ऊपर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर यह फोन है, इसमें गेमिंग के लिए आपको डेडिकेटेड यहाँ पर गेम क्यूब दिया है 5.0 और उसमें 4D वाइब्रेशन वगैरह काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, जिसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं अपने चैनल के ऊपर, तो भाई स्टे ट्यून्ड करना। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यार पोको के बारे में, तो यार पोको आप बताओ भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कितना यूज कर रहे हो? नवंबर में लिया था, 840 Hz का प्रोसेसर, IPS डिस्प्ले, 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा, API 2 का मतलब जी कैम तो अपना सपोर्ट करता ही है, तो जी कैम से जो क्वालिटी है आप अगर इंस्टाग्राम पे जाओ तो आप देख सकते हो भाई, गजब है। फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, बस यहाँ पे जो ये बॉडी है ये प्लास्टिक है तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ता है, बस ग्लास से बेटर है क्योंकि ग्लास टूटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। अब देखो भाई ये इस पे जो हल्के मोटे स्क्रैचेस आ रखे ना, अगर ग्लास होता तो अब तक ब्रेक हो चुका होता खत्म। और यार इस फोन की सबसे खासियत ये है कि इसमें जो जी कैम काम करता है वो रेडमी K20 या फिर कोई भी और अदर जो स्मार्टफोन है अभी तक उसमें इतना स्टेबल काम नहीं करता जितना इसमें करता है, और कस्टम रोम भी डाल सकते भाई, बहुत कमाल का सपोर्ट इस फोन को मिला हुआ है। और बस इसके अंदर एक यार कमी है, थोड़ी बेजल्स थोड़े ज्यादा मिलते हैं, बट कोई नहीं यार इस प्राइस में यार बहुत ही कमाल का डिवाइस है, 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, सबसे कमाल की बात यार IR फेशियल लॉक के साथ आता है और ये काफी अच्छी चीज है यार, मतलब आप किसी भी कंडीशन में देख लो चाहे डे लाइट हो, बैटरी हो, इसके अंदर लिक्विड कूलिंग आपको दी गई है, टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर्स यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, कंपनी की तरफ से जो सिक्योरिटी सपोर्ट सिक्योरिटी पैच में जून का ये भी मिला है, बहुत बढ़िया फोन है और मतलब कहीं भी आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती है फोन लेके किया हमने कहाँ पैसा डाल दिया। और क्योंकि अभी इसका प्राइस भी काफी कम हो गया, 18,000 रुपए में आपको इसका बेस वेरियंट मिल रहा है और 19,000 रुपए में आपको 128 GB वाला वेरियंट मिल रहा है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, 256 GB आप कर सकते हो अगर आपको दोनों सिम नहीं यूज करने है फिलहाल तो ज्यादातर, क्योंकि आपको ये रेडमी K20 Pro में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, रियलमी एक्स में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता माइक्रो एसडी कार्ड का, वीवो और ये मिलता है
क्योंकि ये काफी बढ़िया चीज है यार कि पोको अभी भी आप ले सकते हो, बहुत ही कमाल का डिवाइस है गाइस। और काफी लोगों के मन में यार ये क्वेश्चन होगा कि क्या यहाँ पर टच स्क्रीन इश्यूज है या नहीं, तो आपको बताना चाहूंगा वो कुछ यूनिट्स के अंदर है बट भाई यूज कर रहे हैं आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है। और जो उनमें भी था वो भी अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट यही था कि इन्होंने अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया था काफी लोगों का। और कुछ ये जो सप्लाई होती है इनकी डिस्प्ले की डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स से होती है, तो वो कुछ यूनिट्स में ऐसा इशू था। और बढ़िया जो ये है यहाँ पे जो आपको यूएसबी टाइप सी दी गई, जहाँ पे वीवो में आपको खाली यूएसबी ही मिलती है, तो मतलब मेरे ख्याल मेरे को एक घंटे में आपको इतनी सफिशियंट हो जाती है कि आप इसको यूज कर सकते, बैटरी भी यार 4 MAH की और MIUI 10 पे चल रहा है, फोन 11 तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और यार MIUI का ऑब्वियसली यार ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही कमाल का होता है, नोट 7 प्रो का बढ़िया है, K20 Pro का बढ़िया है, तो यार ओवरऑल आज के टाइम में भी ये वर्थ है खरीदना 18,000 रुपए की प्राइस में, 19,000 रुपए की प्राइस में ले सकते हो। अगर आपको K20 प्राइस इसका कम नहीं होता तो डेफिनेटली आप ले सकते हो। और गाइस K20 से काफी बेटर है क्योंकि वहां पर 730 है और यार यहाँ पर लास्ट ईयर फ्लैगशिप 845 है और ISP वगैरह 10 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। और यार ओवरऑल बहुत ही कमाल का डिवाइस है, आज के टाइम में भी आप इसको खरीद सकते हो। पोको F2 का भी कुछ पता नहीं है तो ले सकते हो यार, बहुत ही कमाल का फोन है, पर वो भी यार मुझे लगता नहीं है कि इतने प्राइस में आएगा, 2264 ऑलमोस्ट 25,000 रुपए तक पहुंचा सकते हैं मुझे लग रहा है। तब जब K20 इन्होंने लॉन्च कर दिया फिर उसके बाद प्राइस को देखते हुए तो थोड़ा डाउट भी होता है कंपनी पे कि क्या ही रखेगी। बाकी भाई आप ये बताओ, हमने चारों को कंपेयर किया, आपकी तरफ से बेस्ट कौन सा है, क्यों है? भाई मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मेरे हिसाब से दो फोन मैं यहाँ पर पिक करूंगा अपने हिसाब से। देखो यार वीवो का फोन अच्छा है मैं मानता हूँ बट मुझे उससे ज्यादा बेटर लगता है रियलमी का X। आप 2000 रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करके रियलमी X ले सकते हो, वहां पर थोड़ी बढ़िया आपको कैमरा क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी डेफिनेटली यार, रियर कैमरा वहां पर बेटर मिलेगा आपको, 582 सेंसर 5860 सेंसर है उसके अंदर भी सेम, तो वहां पर कैमरा क्वालिटी डेफिनेटली बेटर है, सेल्फी कैमरा भी आपको थोड़ा सा बेटर मिल जाएगा। आप 32 मेगापिक्सल है वहां पर, मेगापिक्सल से कुछ नहीं होता है, डिटेलिंग चाहिए होती है, डिटेलिंग रियलमी का एक्स में बहुत काफी बढ़िया, ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा बेटर है क्योंकि कलर ओएस थोड़ा सा बेटर है फ्रंट टच ओएस के कंपैरिजन में, तो ये मेरी चॉइस है। आप रियलमी एक्स के साथ जा सकते हो, ओवरऑल काफी एक बैलेंस्ड और परफेक्ट सा फोन है, उसको ले सकते हो। और गाइस पोको F1 के बारे में हम बात करें तो अगर यहाँ पर आप कंफ्यूज हो K20 या फिर पोको F1 में, तो भाई अगर आपको सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए एकदम बीस्ट एकदम आपको फोन चाहिए तो भाई आंख बंद करके पोको F1 आप ले सकते हो। और आपको बिल्ड क्वालिटी बढ़िया चाहिए तो भाई रेडमी K20 देख लो, अगर आप नॉर्मली यूज करते हो और गेमिंग भी बहुत अच्छी खासी कर देगा आपकी, ऐसी नहीं है कि आपको कोई इशू मिलेगा K20 में, और बहुत बढ़िया फोन है ले सकते हो उसको भी आप, तो भाई यही है। और पोको F1 भी वर्थ है अभी भी खरीदना, आप खरीद सकते हो, और K20 का अगर प्राइस ड्रॉप होता तो ले लेना। तो भाई आप बताओ आपको वीवो V15 Pro और ये क्या ओपिनियन है आपका पोको F1 के बारे में? तो भाई अगर मैं सिंपली बोलूं तो जो वीवो में जो OS है वो मेरे को नहीं पसंद, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सपोर्ट नहीं करता वीवो और ओप्पो को, क्योंकि वहां पे मतलब पैसा डालने से अच्छा है कि आप MI वाले को दे दो, जा तो चाइना में ही रहा है ना। और कुछ एड्स के वगैरह के इशू होंगे क्योंकि काफी लोगों के मन में आता है कि यार चलो वीवो का बेकार है, इसमें सेटिंग आप कर सकते हो, पहले स्टार्टिंग में एड्स आती थी लेकिन अब इन्होंने टोटली हटा दी, यहाँ की ऐप में भी आपको कोई भी मतलब एड्स वगैरह नहीं मिलती। और बिल्ड क्वालिटी को अगर थोड़ा सा अगर हम साइड रख दें हल्का सा, जो कि इसकी प्लास्टिक बॉडी है वहां पे भी आपको ऐसे ही बिल्ड मिलती है, लेकिन हाँ अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करो तो PUBG इसमें बढ़िया चलती है, MIUI तो हम सबको पता है स्मूथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरऑल भाई बहुत सही है। और काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन ये होगा कि K20 सीरीज में एड आते हैं कि नहीं, तो गाइस पहले मुझे यहाँ पर ऐड नहीं दिखा था पर अब मुझे यहाँ पर एड्स दिखना चालू हो गए अपने K20 सीरीज के फोन में, और स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, डाउनलोड नहीं आएगा भाई यहाँ पर आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि MIUI 11 में एड्स हटा देंगे, पर ऐसा नहीं बोला कि हटा देंगे, कम कर देंगे बोला, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। बाकी यार कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन जरूर से बता नीचे कमेंट्स में, और भाई भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाओ लिंक है, अपना भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से आप कौन सा फोन यहाँ पर लेना चाहते हैं, मतलब हमने यूज कर लेकिन आपका ओपिनियन मोस्ट मैटर करता है कि आप कौन सा यूज करते हो, ये वाला या चारों में से कौन सा, तो जरूर बताना भाई नीचे कमेंट्स में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना यार, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक।